आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 महुली का ही छोटी महुली ये है, और छोटी महुली के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 भी बना हुआ है। हम वहाँ भी थोड़ा सा एक नज़रिया वहाँ का भी दिखाएंगे कि आखिर यहाँ की क्या कहानी है। कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा सा नज़दीक आ जाए और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 में आखिर बच्चे जाते कैसे हैं, पहुँचते कैसे हैं, क्योंकि हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, अंदर तक जाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ बच्चे कैसे जाते हैं ये हम दिखाएंगे आपको। ये यहाँ से पहले ये गेट है, आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 के गेट ये बना हुआ है, और अच्छा गेट है, गेट तो शायद चालू भी है लेकिन इसका कुंडी टूटा हुआ है एक साइड का, देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को खिलाया व उनको भोजन कराया जाता है, और यहाँ का सफाई पहले देखेंगे। यहाँ पर 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे आते हैं और उनके लिए ये व्यवस्था होती है, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये पूरी व्यवस्था है। छोटे बच्चों से लेकर 0 से लेकर और पूरी शिक्षा के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाया गया है। और यहाँ पर सहायिका कौन है, कार्यकर्ता कौन है, यहाँ पर आशा कार्यकर्ता है सावित्री सिंह और सहायिका कौशल्या सिंह, NMM सूर्यवती नामदेव और आशा कार्यकर्ता केस कली सिंह यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पर्यवेक्षक हैं लक्ष्मी सलाम। यहाँ पर एक दादी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये क्या जिनका नाम लिखा है ये नाम ही बस लिखा रहता है या फिर यहाँ कभी आते हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? बुधनी। तो आप यहाँ किस काम के लिए आते हैं? समूह में ये लड़का खाना बनाते हैं। अच्छा, समूह में खाना बनाते हैं। यहाँ जो सहायिका है, कार्यकर्ता है, पर्यवेक्षक है, NMM है, कौन कौन है, यहाँ कभी आते हैं? आप कल ही आए रहे ना? कल अच्छा, काल आए थे। तो आए, मतलब एक महीने में कितने दिन आ जाते हैं लगभग? शुक्रवार शनिचर के आते हैं। अच्छा, एक महीने में खाली शुक्रवार और शनिचर को ये आपके कार्यकर्ता सहायिका पहुँचते हैं। समझ लीजिए दर्शकों, मैं लगातार आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये छोटी महुली बरकत से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। छोटी महुली और छोटी महुली के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 का ये जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाने के लिए इस जगह पर आए हुए हैं। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बच्चे कितने आते हैं? बच्चे आते हैं 40। 40 बच्चे आते हैं। अभी आपने कुछ और बताया। अच्छा, तभी 10 ठे खा के गए ना जी। 10 ठो खाए हैं आज? सही सही खाए हैं 10 ठो? सही सही खाए। अच्छा, बच्चे आज 10 ठो आए थे? सही सही। हाँ सही सही खाए। कहाँ पे खवाए थे बच्चों को? अच्छा, बच्चे ने चाय के बोले बच्चों को यहीं पे खवाया गया था। थोड़ा सा एक नज़ारा आप अंदर की ओर दिखाएंगे, अंदर भी पानी भरा रहता है। पानी सर यहाँ एकदम फुल भरा है। देखिए, यहाँ पर न आशा है, न आपके कार्यकर्ता हैं, न सहायिका हैं, और यहाँ पर सिर्फ उनको वेतन मिलता है। आप समझ लीजिए, यहाँ पर उनको सिर्फ वेतन दिया जाता है, और यहाँ पर वो अपने वेतन से 1,000 2,000 जो रुपए, कितने रुपए मिलता है महीने में आपको, 1,000 हमको मिलता है। बताइए? अपने वेतन से मात्र 1,000 रुपए में ये सयानी को यहाँ पर रखा गया है। समझिए बात को, यहाँ पर अपने वेतन से 1,000 रुपए काट करके दोनों लोग मिला करके और एक सयानी को रख दिया गया है। नहीं देता है, मुके वहां समोह मिलता है। अच्छा, समूह से। आप विचारने वाली बात है कि 1,000 रुपए में इनको भोजन बनवाया था। 1,000 रुपए आज की महंगाई में इनके लिए क्या होता होगा, ये भी एक। हाँ कुछ नहीं हमके मिल रहा है, 1,000 रुपया मिले मिला खा। और ये आशा का, ये आपके कार्यकर्ता सहायिका कुछ? कुछ नहीं हमका देते हैं, अच्छा, यहाँ आते भी नहीं है, आपको देते भी नहीं है कुछ? माने आते नहीं है। आवत हमारा लेकिन हो गया, आज नहीं आया है। क्या आवत है आज कबो नहीं? कबो आते हैं महीने में एक आध दिन, है ना? तो चलिए ठीक है, आगे भी हम आपको दिखाएंगे इस साइड का भी। अच्छा, यहाँ साफ सफाई कौन करता है? कभी साफ सफाई होता है यहाँ? सहायक करती थी, हो गया गलधा है तो नहीं करे नहीं सहाय किया छोला के प्राव सहाय। अच्छा, सहायक जो है आपके सहायिका, वो कभी कभी यहाँ पर चारा वगैरह जो है निकालते हैं, लेकिन इस समय गीला है इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। कहने का मतलब समझ सकते हैं। यहाँ पर ये एक नज़ारा इस साइड का भी, हालांकि बना तो ठीक ठाक है, लेकिन जब यहाँ कोई आता ही नहीं, बच्चों को कोई सिखाने का या पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो क्या कैसे काम किया जाता होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, हमारा प्रयास कैसा रहा लगातार ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और मैं कैमरामैन सतन अग्निहोत्री के साथ पंकज दुबे। धन्यवाद।